हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो गाइस देखिए, राजस्थान पटवार की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है, और एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इसका क्या सिलेबस होने वाला है, और रीजनिंग के सिलेबस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए चलते हैं। तो देखिए, जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है, और डेट है आपकी 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर। ठीक है, तो अक्टूबर में 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। और यहाँ पे देखिए, बात करते हैं कि जो रीओपन फॉर्म है वो 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में ओपन हो रहे हैं। और जिनने भी पटवार के एग्ज़ाम के मतलब फॉर्म फिल नहीं किए थे पहले, क्योंकि 2019 का निकला हुआ था, और जिन्होंने भी फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आप 15 से लेकर और 30 जुलाई के बीच में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, सिलेबस के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि भाई ये जो सिलेबस है। तो देखिए, यहाँ पे मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग और बेसिक न्यूमेरिकल का जो सिलेबस है वो हम यहाँ पे जानेंगे। और इसका सबसे बड़ा वेटेज होता है, सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पे 45 क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, 45 क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे 90 आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आता है वो 2 नंबर का आता है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 45। सबसे ज़्यादा नंबर का वेटेज रीजनिंग में है। यदि आपकी रीजनिंग अच्छी होती है तो आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, तो 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि हर एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, और आपके पटवार एग्जाम में यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको सबसे ज़्यादा ये ध्यान देना है कि आपकी एक्यूरेसी है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और आप हर एक चीज़ को कंसेप्ट से, बेसिक से करोगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिलेबस की बात करते हैं। और तो देखिए यहाँ पे सिलेबस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए, मेकिंग सीरीज एनालॉजी। तो मेकिंग सीरीज एनालॉजी का मतलब होता है कि कुछ अपने पास वर्ड्स होते हैं और उनमें कुछ डिफरेंस वर्ड होता है, उसको हमें फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं फिगर, देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चंस क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, काउंट करेंगे जैसे कि ट्रायंगल्स को और स्क्वायर को, रेक्टेंगुलर्स को, उनको हमें काउंट करके बताना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3rd नंबर पे अल्फाबेट टेस्ट है, तो आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्लेस वैल्यू आपको पता होती है, जैसे कि अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू आपको सीखनी होगी, वो आपको पता होगा। तो इन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली बहुत ही कम टाइम में कर पाओगे। पैसेज एंड कंक्लूजन, और पैसेज एंड जैसे कोई आपके पास पैसेज आएगा और उसके बेसिस पे आपके कोई कंक्लूजन पूछा जाएगा, और आपको बताना होगा कि ये कंक्लूजन ठीक है, इधर ओर है या निधर नोर है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन यहाँ पे पूछा जाएगा, और कोडिंग डिकोडिंग यहाँ से आएगा, क्योंकि कुछ जो SSC की रीजनिंग वो सिमिलर है, SSC और बैंक की रीजनिंग यहाँ पे इंक्लूड है। तो देखिए, बैंक के भी काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो भी पटवार के नए सिलेबस में ऐड कर दिए गए हैं, तो वो भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन टेस्ट भी यहाँ पे आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट बैंक का टॉपिक, और यह आपका आएगा पटवार एग्जाम में, यह आपको सीखना होगा। इनपुट आउटपुट की यहाँ पे बात करें तो ये एक नया टॉपिक है जो बैंक मेंस में पूछा जाता है या बैंक PO एग्जाम में पूछा जाता है, और मैं ऑलरेडी बैंक PO एग्जाम को क्रैक कर चुकी हैं, तो मुझे पता है कि ये जो इनपुट आउटपुट है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे बैंक के टॉपिक हैं। ठीक है, तो वो हम अच्छे से अपने यहीं इसी चैनल पे करेंगे, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी बच्चा नया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, क्योंकि डेली यहाँ पे मॉर्निंग में 8 PM पर आपको लाइव वीडियो मिलेगी। तो आप वहाँ से अपने क्वेश्चंस कीजिए, और जो भी आपको क्वेरी हो वो आप कमेंट बॉक्स में या अपने लाइव चैट पे दें, जिससे कि आपका देख के वहाँ पे आपका आंसर दिया जाए। ठीक है, नंबर रैंकिंग एंड स्क्वायर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखिए, नंबर रैंकिंग से क्वेश्चंस आएंगे, और ये आपका सेंस आएगा, यहाँ पे टाइम सेंस है। ठीक है, ये स्क्वायर यहाँ पे रॉन्ग, यहाँ पे मिसप्रिंट था, ये उसके जो आपका पटवार का सिलेबस ऑफिशियली आया था उसमें भी ये मिसप्रिंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अपने 10 टॉपिक हो गए हैं, और कॉमन आप सभी को पता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए आप मेकिंग, तो इसकी बात करते हैं जो अपना रीजनिंग का ही टॉपिक है,
11 नंबर है यहाँ पे मेकिंग जजमेंट, तो आपके पास इसी तरीके के कोई कंक्लूजन या स्टेटमेंट आते हैं और उनमें भी आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा जजमेंट ठीक है, कौन सा रॉन्ग है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं, या वन सही है या टू गलत है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। आपके पास कोई वर्ड होगा और उसको आपको अरेंज करना होगा, कितने उसके वर्ड्स बन सकते हैं। 13 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग द मिसिंग करेक्टर नंबर। तो आपके पास देखिए आपने देखा होगा, आपने SSC के एग्जाम 10th+2 के एग्जाम दिए होंगे, तो जैसे कोई भी आपके पास होता है जैसे कि ए बी फिर डैश करके बी बी ए, इस तरीके के क्वेश्चन इनको फिल करने होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मैथ के सिलेबस की यहाँ पे बात करते हैं, तो मैथ के सिलेबस देखिए बहुत ही छोटा मैथ का सिलेबस है। कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि आपको आने ही चाहिए और ये टॉपिक आपके पटवार एग्जाम में इंक्लूड करे हैं और वो भी 45 क्वेश्चंस के अंदर ही हैं, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि आपके 38 की समथिंग क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में बनते हैं और 6 से 7 क्वेश्चंस आपके बनते हैं यहाँ पे मैथ के बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उससे क्वेश्चन आएगा, और मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि अपने पास कोई भी उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, उसी को देख के हमें क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना होता है, उनके नंबर चेंज करते हुए, जैसे कि प्लस को हमने माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हमें सोल्व करना होता है। ये क्वेश्चंस आई थिंक सभी को आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एवरेज और एज की। तो एवरेज बहुत ही ईजी टॉपिक है और एज भी, टाइम मिला तो हम डेफिनेटली इस क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की एरिया एंड वॉल्यूम की। तो एरिया एंड वॉल्यूम आपका ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली एक एग्जाम में जरूर आएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI और SI से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा, ये तो हर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट की बात करते हैं यूनिटेरी मेथड। तो यूनिटेरी मेथड से भी आपका क्वेश्चन आएगा, तो ये भी सब हम पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। तो ये है आपका मैथ का सिलेबस और ये था आपका रीजनिंग का सिलेबस। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना किस तरीके से। देखिए जो बच्चा पहले से प्रिपरेशन कर रहा था, क्योंकि ये 2019 की वैकेंसी है और 2019 की वैकेंसी के बाद इसके कोई एग्जाम की डेट नहीं आई थी। देखिए यहाँ पे 2021 के जनवरी में एग्जाम होने वाला था, फिर से पोस्टपोन्ड हो गया था। अब ये एग्जाम है अक्टूबर के 23 और 24 को, ठीक है। 23-24 अक्टूबर को इसका एग्जाम है। अब प्रिपरेशन कैसे करें, देखिए आपके पास टाइम है 3-4 मंथ का आई थिंक टाइम है, तो 4 भी कंप्लीट नहीं मानेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 3.5 महीने आपके सामने है और 3.5 महीने में आपके पास जो भी सिलेबस है। रीजनिंग पे आपको इसलिए फोकस करना है क्योंकि यहाँ पे 45 नंबर और 90 मार्क्स और सबसे इजी है ये सब गेन करना, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी आएगी और यहाँ पे 1/3 आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपको यहाँ से मिलेगी। तो आपको एक भी क्वेश्चंस को रॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से फिर आपका जो करेक्ट आंसर है वो भी आपका कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए तैयारी रीजनिंग का जो भी स्टार्ट अभी कर रहे हैं, अभी रिव ओपन फॉर्म हुए हैं, जो भी फॉर्म फिल करेंगे, जो भी तैयारी करेंगे, तो रीजनिंग जो है वो यहाँ पे जो पटवार की रीजनिंग है वो डेली आपको मॉर्निंग में 8 बजे आपकी क्लास होगी, तो आप डेली क्लास लीजिए। और जो भी आपके नॉन में हो या फिर आपके कोई फ्रेंड हो वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, जिससे कि आप डेली उस टॉपिक को पढ़ोगे, डेली उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आपकी रीजनिंग तो यहाँ से कवर हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि जो भी कोई आपका इंपॉर्टेंट जो भी सिलेबस में होगा अदर सब्जेक्ट से, तो वो जैसे एग्जाम आएगा उसके पास में आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आज इसी वीडियो में आपको सिलेबस और एक एग्जाम डेट की इन्फॉर्मेशन देने आई थी। तो अपनी पढ़ाई को अब स्टार्ट कर दीजिए, जो भी बच्चा नहीं कर रहा था, तो अब एग्जाम होगा और 3.5 महीने में भी आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो विदाउट टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ये 3.5 महीने ने आपकी ज़िंदगी के ये हैं कि आप अब भी तैयारी करने बैठते हो तो आप अपनी तैयारी करके और अच्छे जगह पे अपने सिलेक्शन पा सकते हो, ठीक है। तो तैयारी करना और जो भी पढ़ाया जाए उसको अच्छे से पढ़ना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और पढ़ते हैं डेली, 8 बजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।